आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करवाने वाले। मॉडल पेपर हर कॉलेज में दिया गया, तो कुछ लोग हम ग्रुप में मैसेज किए थे कि मॉडल पेपर भेजिए, उसका एमसीक्यूज और आपका न्यूमेरिकल पेपर को क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो जो जो भेजे थे उसी को सबको एक जगह लिखकर उसका आंसर विथ एक्सप्लेन, जो आसान था उसको थी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, लेकिन जो मतलब कि क्वेश्चन था, जैसे देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का था, तो यहाँ साथ में सॉल्व किए उसके बाद आंसर बताएं, ठीक है। या कोई कंसेप्ट आपको पहले नहीं पता है तो पहले हम यहाँ पे लिखे हैं उसके बाद उसको डिस्कस किए। देखिए इस तरह से दिख रहा है, एक सेकेंड, देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, लिख लिख कर बना बना कर उसको क्या किए, डिस्कस किए। कोई मान लीजिए थ्योरी आपको नहीं पता है तो उस थ्योरी के बारे में पहले लिखे उसके बाद आंसर टिक किए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑल ओवर पॉइंट्स आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसके बाद न्यूमेरिकल अपलोड कर देंगे, पहले इसको आप देख कर रखिएगा। और आप लोग तो सपोर्ट करते ही नहीं, ना लाइक करते ना शेयर करते ना सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी हम बनाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए फिर भी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। जहाँ पे आपको लगेगा कि एक्सप्लेन करें अच्छे से, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, और क्वेश्चन अगर आपके कॉलेज से मिला है मॉडल पेपर और आप हमें ना भेजें तो आप भेजिएगा, उसका भी टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, ठीक है। वैसे आज आपको 1 तारीख के एग्जाम है तो अभी 3 दिन गैप है, ठीक है। बीजेटी कैसा डिवाइस है, कौन सा कंट्रोल करता है, करंट को या वोल्टेज को, तो किसको करता है, करंट को। तो बीजेटीईजी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इजे करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। दूसरा नंबर में आते हैं, व्हाट इज द टाइपिकल वैल्यू ऑफ द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया गया था, उसमें आपको क्या क्या डिस्कस किए थे, तो फर्स्ट पॉइंट पे किए थे भी एवरेज भी और आई एवरेज के बारे में। भी एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, भी एम को पाई से डिवाइड कर देते थे, और भी एवरेज निकालना था तो आई एम को क्या करते थे, पाई से डिवाइड कर देते थे। उसी तरह से अगर आपको भी आर एम एस निकालना होता था तो भी एम को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते थे, आई आर एम एस निकालना होता था तो आई एम को क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते। और ये सभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके देखे होंगे, उसका न्यूमेरिकल भी सीखे होंगे। 2 तक न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और बाकी 3-4 का हम कोशिश करेंगे कि आज शाम या कल सुबह तक, मॉर्निंग तक आपको अपलोड कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज सीखे होंगे। उसी के बाद हम लोग एक रिपल फैक्टर के बारे में सीखे थे, क्या सीखे थे, रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ एफ एफ का स्क्वायर -1। ये जहां एफ एफ क्या होता था, तो एफ एफ होता था फॉर्म फैक्टर, क्या होता था, फॉर्म फैक्टर। एफ एफ मीन्स क्या होता था, फॉर्म फैक्टर। एक बार रिवाइज करते चलेंगे क्योंकि एग्जाम एग्जाम में जितना ज्यादा रिविजन हो उतना अच्छा होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, अब फॉर्म फैक्टर क्या होता था, तो भी आर एम एस बटा क्या होता था, भी एवरेज होता था, भी आर एम एस बटा भी एवरेज। तो इसी का स्क्वायर -1, यानी भी आर एम एस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो भी एम अपॉन 2 लिख सकते हैं, और भी एवरेज को हम लोग भी एम अपॉन पाई लिख सकते थे। तो भी एम से भी एम कट जाता था, पलटेंगे तो π/2 हो जाएगा, यानी π/2 का होल स्क्वायर -1 कीजिएगा तो आंसर आता है 1.21, ठीक है। यही हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता था। और एक चीज और आपको याद करवा दे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का कभी भी रिपल फैक्टर पूछे, कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी वैल्यू दिया रहे, सबका रिपल फैक्टर सेम होता है, यानी फिक्स होता है 1.21, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा तो उसका हमेशा हमेशा रिपल फैक्टर 1.21 ही होता है, ठीक है। अगर यही फुल वेव रेक्टिफायर रहता था उसका रिपल फैक्टर 0.48 समथिंग होता था, ठीक है। तो रिपल फैक्टर फुल वेव में ये हो जाएगा, हाफ वेव में 1.21 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कंप्लीट हुआ होगा, कोई किसी तरह से डाउट नहीं रहा होगा। जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द कट इन वोल्टेज टाइपिकल वैल्यू ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स आर।
तो सिलिकॉन के लिए कितना वैल्यू होता है, जर्मेनियम के लिए कितना वैल्यू होता है, आपको याद करवाए थे जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। मैराथन आपका इंजीनियर्स प्रोजेक्ट चैनल पे है, वो अपना ही सेकेंड चैनल है, उसी पे अपलोड कर दिए। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस और एमसीक्यू, और फिर से इवनिंग या मॉर्निंग में आपको न्यूमेरिकल अपलोड होगा। तो सिलिकॉन का वैल्यू कितना हम लोग जानते थे, 0.7, और जर्मेनियम का कितना था, 3। अगर सिलिकॉन का डायोड है तो उसका कितना वैल्यू होता था, 0.3 होता था, और इसका कितना होता था, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 0.7, 0.3 को क्लिक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जो मॉडल पेपर भेजे थे ना, उनका में लिखा हुआ था 0.7 और 0.2, ठीक है, तो 2 नहीं 3 होता है, तो इसलिए हम उसको ना लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नहीं 2 नहीं 3 होता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, 0.7 0.3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। इन पी एन पी एन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करेंट इज 10 mA इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड रीच द कलेक्टर देन। आपको क्या क्या बोला है कि यहाँ पे दिया हुआ है 90% इमिटेड इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग बना लेते हैं उसके बाद करेंगे। तो 90% इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच द कलेक्टर, आपको पढ़ाए थे जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो वहां पे आपको बताए थे आई सी अपॉन क्या होता था, आई होता था, ठीक है, इमिटर हम लोग, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.9। ये किसका वैल्यू होता था, अल्फा का वैल्यू, किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो ये आई सी अपॉन आई इजकल टू 0.9, अच्छा, और एक सेकेंड, तो यहाँ पे आई इमीटर करेंट पूछा है ना, तो इमीटर करेंट कितना होगा, तो इमीटर करेंट मैंने आई का इमीटर करेंट हो गया, सी मतलब कलेक्टर करेंट हो गया, तो आई इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन 0.9, आई सी अपॉन 0.9। तो आई सी का वैल्यू 10 mA दिया हुआ है। ऐसे भी हम लोग जानते थे कि कलेक्टर करेंट को हम लोग मिली एम्पियर, बेस करेंट को माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे आपका जो इमीटर है उसको भी हम लोग मिली एम्पियर में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर फोर आई सी इजकल टू आई सी अपॉन आई इजकल टू 0.9। तो 10 अपॉन आई सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 mA दिया हुआ है, और आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू तो हमको निकालना है, और उसके इजकल टू 0.9 दिया हुआ है, तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 0.9, यानी 11.1111 mA। तो यहाँ पे आपका आंसर टिक हो जाएगा, इमीटर करेंट बिल भी 11.1 ही सिर्फ दिया हुआ है, मतलब वही है 11.11 mA, एक ही पॉइंट तक लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप सभी, अगर जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं आप ये वाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस किया गया है, हर एक पॉइंट को आपको याद करवाया गया है, मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको अगर फर्स्ट बार भी पढ़िएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट बार पढ़े थे कमेंट कीजिएगा आपको सही लगा या नहीं लगा, ठीक है, एक बार कीजिएगा कमेंट, ताकि जो न्यू व्यूअर्स होंगे उनको पता चलेगा कि हाँ, मतलब कि एक दिन में भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हुआ बाबू, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा, 180° साइड था, तो इसका अभी कन्फर्म नहीं है, तो 5 नंबर को हम मैसेज कर देंगे। आइए 6 नंबर से, द ओपन लूप द ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 इफ निगेटिव फीडबैक विथ बीटा इजकल टू 0.2 इज यूज्ड, द क्लोज लूप गेन विल बी कितना होगा। क्लोज मतलब ओपन लूप गेन दिया हुआ है, उसका फीडबैक विथ बीटा इजकल टू 0.2 दिया हुआ है, निगेटिव फीडबैक के साथ बीटा इजकल टू 0.2 दिया हुआ है, तो क्लोज लूप गेन कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्लोज लूप गेन का, ओपन लूप गेन बटा 1 अपॉन ओपन लूप गेन इंटू बीटा, ठीक है। क्या क्या जानते हैं हम लोग, क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन इजकल टू ओपन लूप गेन बटा 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू बीटा, याद हो गया होगा, आई होप मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। क्लोज लूप गेन को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और ओपन लूप गेन को बी मान लेते हैं, तो हम लोग फार्मूला कैसे लिखेंगे, ए इजकल टू बी अपॉन 1 प्लस बी इंटू बीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ एल भी लिख सकते हैं क्लोज लूप गेन को,
ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐसे सिंपल मान लेते हैं ए बी, और क्लोज लूप गेन को ए मान लेते हैं, ओपन लूप गेन को बी मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी इंटू बीटा, ठीक है। तो उसका वैल्यू रखिए, ओपन लूप गेन का वैल्यू 200 दिया हुआ था 1 प्लस, ओपन लूप गेन का वैल्यू 200 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है। तो वैल्यू आपका आ जाएगा 4.878, कितना आ जाएगा 4. क्लोज लूप गेन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.878। आई होप ये क्वेश्चन अब आ जाएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बीटा का वैल्यू चेंज कर दे और ओपन लूप गेन का वैल्यू चेंज कर दे, फिर भी आप क्लोज लूप गेन पूछे तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत। 6 नंबर 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फॉर ए बेस करेंट ऑफ ए 10 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट इन कॉमन इमीटर इफ बीटा इज इक्वल टू 100। हम लोग जानते हैं कि बेस करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में करते हैं, दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, यानी बेस करंट को हम लोग आई बी बोलते हैं, कलेक्टर करंट को आई सी बोलते हैं, इमीटर करंट को क्या बोलते हैं आई ई बोलते हैं। बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो बार बार बोल रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसका लिंक ले सकते हैं, ठीक है, या पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आई आई बी हो गया आपका बेस करेंट, आई सी हो गया कलेक्टर करेंट, आई हो गया आपका इमीटर करेंट। तो बोल रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि फॉर बेस करेंट ऑफ ए 10 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट इन कॉमन इमीटर इफ बीटा इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो आपको पता है कि बेस करेंट 10 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ, कलेक्टर हमको पूछ रहा है बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है, ठीक है। यानी बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट, बीटा इज द कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट। कलेक्टर करेंट कितना दिया हुआ, अच्छा हमको निकालना है बेस करेंट, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कलेक्टर करेंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे आई बी इंटू आई बीटा कर देंगे, यानी आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। बीटा का वैल्यू 100 दिया हुआ, आई बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, गुना करेंगे 1000 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कलेक्टर करंट को हम लोग मिली एम्पियर में रखते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 1 मिली एम्पियर है। आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट होता है। इसको आगे हम लोग बताने वाले हैं कि आइडियल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये अभी याद रख लीजिए, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जेनर डायोड इज ऑल्सो नोन इज नोन एज, जेनर डायोड किसका काम करता है, करेंट रेगुलेटर का कि वोल्टेज रेगुलेटर का? तो जेनर डायोड काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर का। तो आई होप क्लियर होगा, जेनर डायोड इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेटर। याद हो गया, याद हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सी आर मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ईजे, उसमें क्या मतलब, कितना लेयर है, कितना टर्मिनल, कितना जंक्शन होता है। तो आइए पहले इसको थ्योरी में हम यहाँ पे बताएं, उसके बाद वहाँ ऊपर टिक करेंगे। थाई रजिस्टर्स आर ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी आर बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, जिसमें 4 लेयर होता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है। ए सी आर है 3 PN जंक्शन, इसमें जो जंक्शन होता है वो 3 होता है, एंड द टर्मिनल आर 3 एनोड कैथोड एंड गेट, यानी 4 लेयर हो गया, 4 लेयर हो गया, 3 टर्मिनल हो गया और 3 जंक्शन हो गया, ठीक है। तो 4 लेयर, 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन, इन्हें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 4 लेयर, 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन होता है। याद हो गया, याद हुआ, आगे बढ़े। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इन NPN बाइपोलर ट्रांजिस्टर, हम लोग BJT में जो पढ़ रहे थे उसमें इमीटर करेंट इजकल टू क्या पढ़े थे, इमीटर करेंट इजकल टू आई बी प्लस आई सी, इमीटर करेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस करेंट एंड कलेक्टर करेंट। तो आपको जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पे याद करवाए थे आई इजकल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। इससे हम लोग रिलेशन भी निकाल लेते, याद है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा,
अल्फा एंड बीटा में रिलेशन में ये वर्ड का यूज किए थे, आई इजकल टू आई बी प्लस आई सी, मीटर करेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस करेंट एंड कलेक्टर करेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट इजकल टू एमिटर करेंट, यानी आई बी प्लस आई सी इजकल टू क्या है आई, यानी बात वही हुआ कि बेस करेंट और कलेक्टर करेंट जोड़कर हमको क्या मिलेगा आई, या आई इजकल टू क्या होगा आई बी प्लस आई सी। आई होप क्लियर हो गया होगा 11 नंबर भी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा ना, जितना भी हम तो बोल रहे थे कि सभी कॉलेज का रहा, तो सभी और भी बहुत कॉलेज का भेजे हैं, लेकिन उनका एमसीक्यूज नहीं था, 2 नंबर का लिखने वाला था, तो 3-4-5 लोग का मिला था, तो मिक्स करके और बहुत लोग का कॉमन था, तो यहाँ 25-26 क्वेश्चन बन पाया, उसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर टाइम मिला और आप भेजिएगा तो और डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थ्योरी भी पढ़ के जाइएगा, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही पूछे, थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी एक पे भरोसा लेके मत चलिएगा कि हाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ के चल गए या सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़, क्या पूछ देगा कोई पता नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, देखा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे तो मॉडल पेपर कर लीजिए तो काफ़ी है, उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैच कर रहा है। ए जेनर डायोड नॉर्मली ऑपरेट एट, जेनर डायोड नॉर्मली ऑपरेट करता है फॉरवर्ड बेस प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट वोल्टेज, द जेनर डायोड ऑपरेट जस्ट लाइक द नॉर्मल डायोड व्हेन इन द फॉरवर्ड बेस मोड एंड हैज ए टर्न ऑन वोल्टेज बिटवीन 0.3 to 0.7, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड। तो जेनर डायोड जो ऑपरेट होता है वो कौन सा मोड में होता है, मतलब फॉरवर्ड बेस मोड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, फॉरवर्ड बेस प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज, इस पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज नॉट करेंट, वोल्टेज। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेस प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वोल्टेज, सेकेंड ऑप्शन में फॉरवर्ड बेस प्रोवाइडिंग कांस्टेंट करेंट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, रिवर्स तो होगा नहीं, फॉरवर्ड होगा लेकिन कांस्टेंट करेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड बेस विथ कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13 में व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस, अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बेस में हो तब डिप्लीशन रीजन में क्या चेंजेज आता है, तो डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीजेज और नैरोज। ठीक है, नैरोज मतलब सकरा, यानी डिक्रीजेज ही हुआ, तो अगर पूछेगा ना पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बेस में है तो डिप्लीशन रीजन उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे रिवर्स बेस में रहेगा तो क्या होगा, तो डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसको वहां पे ऑप्शन बाइडर भी करके आ सकता है, मतलब चौड़ा। ठीक है, और इसका नैरो करके आ सकता है, डिक्रीजेज का क्या ऑप्शन आ सकता है, नैरो करके भी आ सकता है, इंक्रीजेज का बाइडर करके भी आ सकता है, डिप्लीशन रीजन बाइडर और डिप्लीशन रीज नैरो। ठीक है, तो आपको कैसे टिक करना है, कैसे क्लिक करना है, तो अगर फॉरवर्ड बेस है, फॉरवर्ड बेस मतलब जो डिप्लीशन रीजन है डिक्रीज होगा, मतलब नैरो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफायर लोड करेंट फ्लोज ओनली फॉर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताए थे कि जो पॉजिटिव साइकिल में होता है, मतलब कि जो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं करेंट, वो कहाँ जाता है सिर्फ, तो ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल टू द इनपुट सिग्नल, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता था तो उसमें दोनों में होता था। ठीक है, दोनों साइकिल में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता था, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका, 14 का। ठीक है, 15 का आते हैं, ए डिवाइस दैट ट्रांसड्यूस्ड AC to DC में पढ़ाए तो क्या होता था, कौन कन्वर्ट करता था, रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये डिवाइस दैट ट्रांसड्यूस्ड AC to DC इज कॉल्ड रेक्टिफायर। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एब्रीविएट MOSFET, MOSFET का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, तो MOSFET अब जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बताया गया था कि MOSFET क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फिल ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे FET, यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। 17 नंबर में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको याद होगा, द PIV ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको बोलते थे PIV, मीन्स क्या हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज, याद है, याद, पहले हमको बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, कमेंट कीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, VM और किसके बराबर, EM के बराबर। ठीक है,
अगर इसी को हम बोले कि फुल वेव रेक्टिफायर में, तो दो तरह का हमको रेक्टिफायर वहाँ पे सेंटर टैप एक ब्रिज था। सेंटर टैप होता था तो हम लोग 2 VM लेते थे, और अगर ब्रिज होता था तो VM लेते थे। तो यहाँ ऑप्शन टिक क्या होगा, VM, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर देन PIV 2 VM, और ब्रिज रेक्टिफायर होता था तब हम लोग क्या कितना के बराबर लेते थे, VM के बराबर लेते थे। वहाँ पे किन्हीं को डॉट था, एक जगह हम VM को 13.13333 वाला ले लिए थे, तो वहाँ VM इजकल टू जो VM का वैल्यू है वही होगा, 220 वाला ही होगा, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे देखे होंगे, मिला होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ समझने वाली चीज़ है कि VM सर बोले थे VM होता है, तो अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उससे क्या दिक्कत है, आप खुद भी समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब दुनिया भर के कमेंट ही कर दे कि सर यहाँ गलती है, सर यहाँ गलती है। अरे आदमी ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इतना सीरियसली क्या लेना है, ठीक है। अब वो बोल हम जब आपको पता है कि PIV भी किसके बराबर होता है, VM के बराबर होता है, ध्यान नहीं रहा कहीं गलती से 13.13 भी नॉट वाला वैल्यू लिखा गया, तो आपको पता है कि PIV VM ही होता है ना, इसमें कैलकुलेशन है ना, भागा गुना है कि हाँ गुना करने में गलती हो गया होगा, भागा करने में VM है मतलब VM का वैल्यू होगा, तो इतना भी मतलब सीरियसली मत होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक IC, IC जो होता है एक ग्राफ वहाँ पे पड़े होंगे, तो वहाँ पे VCE विद द कॉन्स्टेंट IB, इफ CE कन्फिग्रेशन, CE मतलब कलेक्टर इमिटर कन्फिग्रेशन, देन द कर्व ड्रॉ बिटवीन कलेक्टर और कलेक्टर करेंट IC एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VC एट द कॉन्स्टेंट बेस करेंट IB, यानी VCE अभी थे कॉन्स्टेंट करेंट क्या, बेस करेंट, तो डेट इज कॉल्ड आउटपुट करेक्टरिस्टिक। इस चीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आउटपुट करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं, VCE विद द कॉन्स्टेंट IB, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, करेंट संट फीडबैक इज ऑल्सो नोन एज सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल यहाँ पे संट लिखा हुआ, तो सीरीज संट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। MOSFET कैन बी यूज एज ए, MOSFET किस लिए यूज किया जाता है, तो वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के लिए, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर आपको वहाँ पे फंसाएगा, वोल्टेज कंट्रोल इंडक्टर लिख दिया है, तो MOSFET किसके लिए होता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के लिए, याद होगा MOSFET किसके लिए, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए, ठीक है। चलिए 20 का ऑप्शन नंबर 2 था। 21 का आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स होता है, अगर यही बात हम करें सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑन द एन साइड इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर्स, एन साइड में जो मेजोरिटी कैरियर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है होल्स होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 22 नंबर में आते हैं, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेज इन डायोड देन डिप्लीशन रीजन, तो अभी एक जस्ट पीछे पढ़ाए थे आपको कि जब रिवर्स फॉरवर्ड बेस होता था तो डिप्लीशन रीजन क्या होता था बताइए, तो फॉरवर्ड बेस में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता था, याद आया, डिक्रीज होता था, तो रिवर्स बेस में क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, तो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन जंक्शन डायोड इंक्रीज बाई रिवर्स बेस, जब रिवर्स बेस होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, इनक्रीज होगा, ठीक है। ये हम तो छोड़े थे कि आपको आपसे कमेंट करवाएंगे, लेकिन आप करते ही नहीं है तो कितना बोले बार बार, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन कीजिएगा, ये आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC या DC टू AC या AC टू AC या DC टू DC क्या होता है बताइए जल्दी से, अभी जस्ट पढ़ा क्या है, वहाँ क्वेश्चन पूछा था AC टू DC में कौन कन्वर्ट करता है, तो वहाँ ऑप्शन बहुत सारा था जिसमें ऑप्शन क्या था, रेक्टिफायर था। अब बताइए रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। 24 नंबर में आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंसिज, तो आपको ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है, जिसको हम आइडियली इनफाइनाइट मान सकते हैं, और आउटपुट इम्पीडेंस होता है जो लो होता है, यानी उसको आइडियली हम जीरो कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट टू जीरो, ठीक है। तो इनफाइनाइट को हम लोग हाई बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, लो बोल देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाई और लो, ठीक है। वैसे अगर आइडियली पूछे तो आप इनफाइनाइट और जीरो ऑप्शन रहेगा, तो इनफाइनाइट और जीरो को ही टिक करेंगे। नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर टू होगा द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर टू क्लिक करेंगे ठीक है, द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ये वाला आपका क्या होगा रॉन्ग होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखिए सब बताया गया, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेट टू आइडियल इफ इट हैज फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, जीरो ऑफसेट वी इजकल टू जीरो व्हेन वी वन वी टू इजकल टू जीरो ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जो इनफाइनाइट होता है तो यहाँ तो होता ही है, इसमें पूछा है कौन करेक्ट नहीं है ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, ये लो होता है ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है आपका गलत है ठीक है। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर टू फिर से याद कर लेंगे और बुक में तो सुधार लेंगे, बार बार बोल रहे हैं पीडीएफ से मैसेज मत करते रहिएगा सर ये गलत है ये गलत है, हम जहां गलत रहते हैं हम खुद सुधार देते हैं ठीक है। द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट ठीक है, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर में देखेंगे स्लीव रेट फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, स्लीव रेट क्या होता है पहले ठीक है, तो स्लीव रेट यहां से देख लेते हैं, स्लीव रेट इज द रेट एट विच द आउटपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट ठीक है, दोनों का रेशियो आउटपुट और चेंज इनपुट का, इट इज मेजर एज चेंज इन वोल्टेज इन गिवेन एज, हम लोग चेंज में मापते हैं और जहां पे टाइम डिले के कारण ये टाइम डिले जीरो होता है तो नीचे में जीरो होता है तो ये वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट कि स्लीव रेट फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि आपको और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, आप लोग देखते हैं करते नहीं है ठीक है, हमको बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता इसलिए हम किसी वीडियो में नहीं बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा भर जाता है बोल देते करने के लिए, और करिएगा तो आप ही लोग का फायदा है ना कि आपको मतलब कि देखिए जब हमको देखने में क्या अच्छा लगता है कि हमको देखने में लगता है कि हाँ इस पे व्यूज अच्छा है लाइक अच्छा है तो हम और आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें, नहीं अब इस पे नहीं देखते हैं मतलब नहीं लगेगा तो फिर मेहनत कर कौन करना चाहेगा ठीक है, इसलिए बोलते हैं और इससे लाइक और इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है ठीक है, लाइक कमेंट से बेनिफिट नहीं होता है, व्यूज पे होता है, तो करे आप करे या ना करे देखेंगे तो व्यूज बढ़ेगा ही, बस लाइक करेंगे ताकि आप आगे जो बताने वाला है मोटिवेट हो और आपको मतलब प्रोवाइड करे अच्छा अच्छा कंटेंट ठीक है, बस और कुछ नहीं ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे जो भी मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल है ठीक है, ठीक है बाबू मिलते हैं।